सबसे मुंबई में घर मंथरण का मामला सामने आया, तब से आरोपी फरार चल रहा था और आज उसकी गिरफ्तारी हुई अलीबाग से, क्या कहना चाहेंगे? मैं आरोपी कोई भी रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। सवाल इतना है कि 400 बच्चे जो धर्मांतरित हुए हैं वो कौन है, उनका नाम क्या है, वो कहाँ से है, हमको पुलिस से जानकारी चाहिए। बिना वजह मुमरा का नाम लेना और मुमरा को बदनाम करना, ये अब बच्चे लोग सहन नहीं करेंगे। ये आज नौजवान जो बच्चे लोगों ने चल के आए यहाँ तक, इनका कोई राजनीति संबंध नहीं, कोई सियासती संबंध नहीं, आपको किसी का झंडा नहीं दिख रहा था। इन्होंने तो सिर्फ मुझे इसलिए बुलाया कि आप हमारे MLA हो, आपको हमको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी तकदीर खतरे में है। हिंदू मुस्लिम सामने मामला आ रहा है, हिंदू मुस्लिम का जो है वो नाम बदनाम किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान जबरदस्ती लगाया जा रहा है। मुमरा ये कोई मुसलमानों का शहर है ऐसा मत समझो, इधर हिंदू भाई भी रहते 25% और आराम से रहते, सालों साल इकट्ठा रहते। वो जो कौसा गांव है, वो कौसा गांव का इतिहास 600-700 पुराना साल पुराना है, और गांव में आप जाओगे तो एक बाजू में हिंदू है तो दूसरे बाजू में मुसलमान है, लग रख के घर है। लोगों का कहना अभी जॉब की भी वृद्धि हुई है, इसमें सब में अभी प्रॉब्लम आएगा। मुमरा में जितना इन्वेस्टमेंट आता है वो इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया, वो जो घर बेचते हैं यहाँ से शीन तक उनका इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, लोग शक्ति की नजर से देखते हैं। इससे बहुत बड़ी तकलीफ मुमरा के लोगों की होगी, बच्चों को होगी, और इससे हम सबसे बाहर आ गए थे। मुमरा में 2008 2009 में एक बैंक थी, आज 12-13 बैंक है। आज ATM के बहुत सारे, जो पहले एक जमाना था कि मुमरा में सिम कार्ड नहीं मिलता था, मुमरा में लोन्स नहीं मिलते थे, अब सब शुरू हो गया है। उसके बाद ये जब न्यूज आती है तो ये साजिश के तहत कोई मुमरा को बदनाम कर रहा है और इसके पीछे कोई तो भी राजनीतिक खेल है, ऐसा सबको शक हो रहा है। बैनर्स उसको लेकर भी विवाद चल रहा है, जो उर्दू में बैनर्स लगाए गए हैं, तो उसके उसके बारे में क्या कहना है आपका? मैंने नहीं पढ़ा इस्लाम की पाकिस्तान कहा था कि मैं लेटर लिखकर उस अधिकारी के ऊपर जांच की मांग करूंगा, आज वो अरेस्ट हुआ है, तो क्या आपकी मांग रही है? ऐसा है, कौन अरेस्ट हो गया? शाहनवाज क्या करता है? ऑनलाइन गेम के जरिए, वो ऑनलाइन गेम के जरिए करता है। 400 लड़के मुमरा के है क्या? नहीं, हम पूछ रहे हो, वो शाहनवाज को पकड़ो और फांसी दे दो, हमको क्या करने का है? मुमरा का बच्चा है क्या कोई? और गेमिंग से धर्मांतरण होता है क्या? मजाक है क्या? मुसलमान बच्चा दिखा, गेमिंग का नाम दे दिया, डाल दिया, बोल दिया धर्मांतरण, मुसलमानों को बदनाम करने में लगता क्या है? क्या किया शाहनवाज ने? गेम से कभी धर्मांतरण होता है क्या? मूर्ख समझते हो लोगों को? तो नितेश राणे का कहना है कि मिनी पाकिस्तान हो चुका है, वो मिनी चाइना का आदमी है ना। आपने भी टारगेट किया जाता है उम्र के बाद, आपको भी टारगेट? ऐसा है, मैं टारगेट होने से डरता नहीं हूँ, मैं सच्चाई के लिए किसी के भी साथ खड़ा रहूंगा, वो कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, वो कोई भी प्रांत का हो, अगर उसके ऊपर अन्याय अत्याचार होगा तो मेरा बाप जो है ना बाबा साहब अम्बेडकर, उसने बताया है चाहे तुम अकेले रहो लेकिन उसका साथ। सर, धर्मांतरण के मामले में आज मुख्य मार्च निकाला गया है मुमरा के स्थानीय लोगों की ओर से, क्या कहना चाहेंगे इसके? मैं खुश हूँ कि नॉन पॉलिटिकल बच्चे जिनका कोई राजनीति संबंध नहीं, मैं दूर से देख रहा था, परसों से मैं बैनर देख रहा था इनके, सब सोशल मीडिया पे वॉच रखे था, कोई राजनीति करने वाला बच्चा नहीं, तो भी अगर 500 बच्चे बाहर आते हैं और उनके माँ बाप कहते हैं कि जाओ तुम लड़ो, इसका आसानी से मतलब आसान मत समझो। अब मुमरा अपनी बदनामी सहन नहीं करेगा। हमको बाप दिखाओ, तो मराठी में कहते हैं बाप दिखाओ नहीं तो श्राद्ध करवाओ, तो हमको बाप दिखाओ। ये हम थाना पुलिस से पूछना चाहते हैं, सच्चाई क्या है बताओ। आप चुप चुप के नहीं बैठ सकते कि वो गाजियाबाद पुलिस कर रही है। अगर गाजियाबाद पुलिस कर रही है तो आप लॉक लगा लो और गाजियाबाद पुलिस को बोलो रास्ते पे खड़े रहे, फिर देखो उनके हाल। मजाक है क्या? तुम किसी शहर को बदनाम करते हो तब?
आज मोहित साहब चल गया, अगला कदम क्या होगा? माफी नहीं मांगी तो एक मिनट, जिसने कॉल के जरिए इन्फॉर्म किया था, 400 लोगों का आंकड़ा बताया था, क्या गाजियाबाद पुलिस की जिम्मेदारी नहीं कि उस शख्स को भी हिरासत में लेकर उसे कड़ाई से पूछताछ की जाए? मैं कब से यही बोल रहा हूँ ना, क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं? मैं तुमको बता दूं कि 1000 लोग मारे गए पूरे पहाड़ के पीछे, तो तुम क्या न्यूज चला दोगे? जिम्मेदारी नमक की कोई चीज है कि नहीं? हमको 400 लड़के दिखा, नहीं तो मुमरा की माफी मांगो। सर तो आपको क्या लगता है मुमरा को बदनाम करने के लिए सब किया? साजिश है मुमरा को बदनाम करने के लिए, साजिश है महाराष्ट्र में दंगे करने के लिए, साजिश है हिंदू और मुसलमानों में दीवार तैयार करने के लिए।